आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेंसस पोस्टपोन हो गया फिर से यार, सही नहीं है। अच्छा, हमारी न्यू ईयर सेल सबसे पहले तो शुरू हो गई है। कूपन कोड आपको, अरे यार ये तो दूसरा पोस्टर लगे, बट कोई बात नहीं, ये पॉन एडिक्शन पे भी आपको 30% ऑफ मिलेगा, जो कि एक तरीके से मेडिटेशन है। 75 दिन का पूरा कोर्स चलेगा, बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, सारे कोर्सेज में 30% ऑफ है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर सेल कब शुरू होगी, तो लीजिए अगले 3 दिन तक पूरा फायदा उठाइए। और वैसे भी हम सेल बहुत ही कम निकालते हैं, तो न्यू ईयर कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो डेडलाइन की अगर बात करते हैं, तो भैया आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन, म्यूनिसिपल बॉडीज और जितने भी, इट हैज बीन एक्सटेंडेड 30 जून 2024। सेंसस अक्टूबर तक होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2024 तक। पहले देखिए, पिछले 4 सालों से सेंसस पोस्टपोन हो रहा है, मैंने इसमें कई सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, और अब अक्टूबर 2024 तक। बट ऑब्वियस है कि इलेक्शन के बाद ही सेंसस होने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की और सारे राज्यों को यह बोला कि भैया देखो 30 जून 2024 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को सील करेंगे हम, और उसके बाद फिर सेंसस की अगली प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अभी अप्रैल और मई में 2024, भैया आज आखिरी दिन है, क्या बात है, 31 का आज आखिरी दिन, कल 2024 शुरू होने वाला है, तो मैं उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। स्टडी ग्लोज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आएगा, कल हमारी पूरी स्टडी ग्लोज की टीम साथ में होगी, ओके, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा। शाम 6 बजे हम लाइव करेंगे, आपके सवाल और हमारे जवाब, ओके। तो कोविड में ये हुआ था, कोविड में शुरुआत हो गई थी कोविड में ही, लेकिन फिर कोविड आ गया, मतलब कोविड से पहले, और फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये लगातार पोस्टपोन हो ही रहा है, 2020, 21, 22, 23, 24, 4 साल से पोस्टपोन हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये 9th एक्सटेंशन 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी हाल ही में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, जो कि जिसमें बहुत बढ़िया थी कि 1/3 यानी कि 33% 100 में से 33 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आप रिजर्व करिए लोकसभा में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये होगा डीलिमिटेशन के बाद। अब डीलिमिटेशन होता है सेंसस के बाद, तो जब तक सेंसस नहीं होगा, मैं आपको कब कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए हर 10 साल में सेंसस होता है, आपको पता है ना। अब हर 10 साल में सेंसस होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक एरिया वहां पे एक सीट है लोकसभा की, एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, और झुमरी तलैया में मान लीजिए एक सीट है लोकसभा की, और वहां पे 10 लोग रहते हैं। अब अगले 10 साल बाद वहां पे कितने 1000 लोग रहने पर लगेंगे, मान लीजिए 1000 लोग रह रहे, तो एक सीट बढ़ानी पड़ेगी। अगर लोग 10 to the power, मतलब 10 to the power क्या, इतना अगर बढ़ रहे हैं 10 to the power 2 में, ठीक है, 10 to the power 3 में, तो फिर सीट भी आपको 1, मतलब अगर यहां पे हर 10 पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एक लोकसभा की सीट है, तो उसी हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, कम से कम आपको 100 तो करनी पड़ेगी ना। तो बात इतनी सी ही है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोकसभा यानी कि डीलिमिटेशन भी होता है, लिमिट नहीं होती ना, उसको डीलिमिट करते हैं कि और सीटें बढ़ाओ। लेकिन अभी इलेक्शन आने वाले हैं और अभी ये शायद, देखिए कई बहुत सारे मुद्दे पॉलिटिकल भी होते हैं, बट लोकसभा के अभी इलेक्शन जब अप्रैल मई में होंगे, मेरे ख्याल में उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा। तो अब जो रिजर्वेशन की बात है वो तो सेंसस के बाद ही होगी, जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। अब सेंसस कब से हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है भाई। ऋग्वेद 4 वेद है, उसमें सबसे बड़ा जो ऋग्वेद है वो बताता है कि भाई पॉपुलेशन काउंट जो है वो होता ही था, 2500-3000 साल पहले पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। चाणक्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा है कि आज से 2000 साल पहले टैक्स के लिए काउंट किया जाता था, घरों को काउंट, और उस समय तो पॉपुलेशन भी कम थी, आसान था काउंट करना, है ना। मुगल्स भाई एन ए अकबरी, अकबर ने तो अगर कहते ना कि सबसे बड़ा सेंसस या कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस अगर शुरू हुआ तो अकबर के टाइम पे भी हुआ है, मुगल के टाइम, स्पेशली अकबर के, क्योंकि वो टैक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था, पैसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था, कौन सी जमीन कहां पे है, किसकी जमीन किसके पास है, है ना। तो ये होता था अकबर के समय में। और अब देखिए लॉर्ड मेयो आए, आपको पता है 1872 मेयो आया, तो मेयो ने पहला सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया, और 1881 से लेकर अभी तक हर 10-10 साल पे सेंसस हो रहा है, एवरी 10 ईयर्स हम सेंसस जो है वो करवाते हैं, और तब से हमने छोड़ा नहीं है। अब बात इतनी सी है कि अभी अब 10 साल, अब पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, हम उसी आंकड़े पे डटे हुए हैं। अब अगला सेंसस वैसे तो 2021 में कंप्लीट आंकड़े आ जानी चाहिए थे, बट अभी तक नहीं आया। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो 13 साल निकल गए, तो फिर आप एक बात बताइए कि अगर
सेंसस नहीं हो रहा है तो क्या हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते? सवाल है नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये कहीं लिखा नहीं है कि हमको 10 ही साल में सेंसस करवाना है। वो एक प्रक्रिया नहीं होती कि हाँ हो रहा है, जैसे आप अतिक्रमण की बात करें तो होता है वो, लेकिन सरकार अपने पे आए तो भाई इसको हटा सकते और हटाती ही है। तो उतनी सी ही बात है कि ये होता जा रहा है, इसलिए ऐसा कहीं टाइम नहीं लिखा है। तो सेंसस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड इन इंडिया, ये संविधान में तो लिखा है कि सेंसस होना चाहिए, बट कब होना चाहिए इसका कोई प्रावधान नहीं है। रिपीटेड रेफरेंस हमको देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में, ठीक है, लेकिन भाई कि कब सेंसस होना चाहिए, कौन से टाइम में, 10 साल में, 5 साल में, कहिए पहले ही कर दे, अगले 5 साल में सेंसस हो जाए, या अगले 20 साल भी ना हो। तो ये संविधान में नहीं लिखा, इसलिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क आपको जरूरी होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, राइट। तो ये चीज है, सो नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट दैट द सेंसस हैज टू बी डन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 10-10 साल में होती जा रही है, इसीलिए इसको, अब देखिए कौन सेंसस कंडक्ट करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ओके, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ी बात, सेंसस जरूरी क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, डेटा चाहिए आपको। मान लीजिए कि जैसे आपने, आप एक कोई बहुत ही ऐसा इलाका है जहां पे सरकार के इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो सेंसस ये बताता है एक एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एक एरिया कम डेवलप्ड है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, और कौन, तो सरकार पूरी की पूरी स्कीम जो है, पूरी की पूरी पॉलिसी जो है, वो सेंसस को देख के ही बनाती है, समझ रहे हो। और जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता है वो भी सेंसस को देख के होता है। कास्ट सेंसस की भी बड़ी बात हुई है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कास्ट सेंसस के मैं विरुद्ध हूं उसके, मैं बहुत ज्यादा कास्ट सेंसस को लेके आई एम नॉट वेरी मच पॉजिटिव। भाई देखो, हमको एक एंटिटी के तौर पे काम करना है और सरकार को उसमें कास्ट सेंसस और ज्यादा डिवाइड करेगी, ठीक है। आधुनिक देशों में इन सब की कास्ट, रिलीजन, इन सब की बात आनी नहीं चाहिए, धर्म हो गया, कास्ट हो गया, ये मॉडर्न इंडिया है यार, आप पॉलिटिक्स के लिए ये चीजें ना ही करो तो बेटर है। हमको डेवलपमेंट, आप गरीबों को देखो, आप उन लोगों को देखो जो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो नहीं है, जिनके पास ना एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो आप उनको अब डेवलप करने के लिए देखो। धर्म एक पर्सनल इशू है, कास्ट एक पर्सनल इशू है, छोड़िए उन सबको, इन सबसे हमको बहुत आगे बढ़ना है अब एनीवे। लेकिन क्या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, तो सेंसस जो है वो तो हो गई, अब तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो सारी चीजें सरकार जो है वो देखती है। तो सेंसस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेटा भी यूज होता है कि सारे कंस्टिट्यूएंसीज और जो एलोकेशन है सीटों का वो किस तरीके से रहे। फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंसस के बेसिस पे ही इसी डेटा की किसको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो रिसोर्सेज अलॉट करती है, आपको पता ही है, सारे राज्यों को पैसा देती है। तो अब किसको कितना पैसा चाहिए, कहां पे कौन थोड़ा डाउन ट्रॉडन है, वो सब सेंसस जो स्कीम होती है, ठीक है, वो जो कह रहा हूं ना कि सब कुछ, जितनी भी सरकार की पॉलिसी है, इट डिपेंड्स ऑफ सेंसस, ठीक है। तो एक 2-स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले तो घर घर जाके हाउस को लिस्ट किया जाता है, एक नंबरिंग एक्सरसाइज होती है ना, उसके बाद फिर ये नंबरिंग एक्सरसाइज बेसिकली 1 साल के अंदर अंदर पूरी होनी चाहिए। देखिए 1 साल के अंदर अंदर सब पूरा होता है, अगर सेंसस 2021 में होना तो 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था। तो ये घर घर आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे तरीके से सवाल होंगे, और उसके बाद ये सवाल जो है वो आपको ले जाएंगे, ठीक है। और देन वैसे तो 4 साल पहले ही ये इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। अब COVID-19 से पहले बहुत सारी तैयारियां इसकी हो गई थी, लेकिन कोविड आया उसके बाद जो है ये पोस्टपोन हो गई। डिजिटल एक्सरसाइज था ये पूरी की पूरी तरीके से। इसमें आपको बता दूं कि जैसे वैसे तो सेंसस मैनुअल होता था, लेकिन अब क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं तो काफी हद तक ये डिजिटल हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मिक्स मोड था, ठीक है, डिजिटल भी था, मैनुअल भी था, बट कोविड के बाद चीजें गड़बड़ हो गई। तो अभी तो फिलहाल अक्टूबर तक बात की गई है सेंसस की, आप देखते हैं कब होगा, और हमारी से लाइव आप उसको जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।